रोड एक्सीडेंट हुआ है कैंटर, इसमें असली वजह यह है कि इसमें ओवरलोडिंग ज़्यादा होती है और रोड बहुत ख़राब है। रोड की हालत की वजह से ये एक्सीडेंट हुआ है और इसमें कुछ लोग बहुत जख्मी हो गए हैं। एडमिनिस्ट्रेशन वालों को बताया कि इस रोड को ठीक करो, लेकिन ये रोड को ठीक नहीं कर रहे हैं। ये गुर्दनवाला की रोड जो है ये सिर्फ पशुओं के लिए है, इंसानों के लिए नहीं है। लेकिन गुर्दनवाला के अंदर कोई भी रोड का किसी टाइम भी काम आता है, लेकिन वो काम अधूरा करते हैं, पूरा नहीं करते हैं। बड़े अफसोस की बात है, मैं भी एक्सीडेंट में था तो कितने लोग जख्मी हुए, मालिक ने बचा लिया, फिर भी मैं हम उसका उसके शुक्रगुजार हैं। तो मैं ऑनरेबल गवर्नर साहब से ये गुजारिश करता हूँ कि गवर्नर साहब इन चीज़ों पर ज़्यादातर ध्यान दें ताकि ये पब्लिक बच सके। ऐसे हादसे जो होते हैं वो रोडों की खराबी की वजह से होते हैं। हादसा ये अक्सर तो रोड की प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा, क्योंकि रोड जो है हमारी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, एक बात है। दूसरी, हमारी वहाँ गाड़ी का कोई इंतज़ाम नहीं है, तो जो भी है गाड़ी लोगों की मजबूरी है, उनको बैठना ही पड़ता है। तो बहुत बार हमने आगे पीछे ट्रैफिक वालों को बोला, दूसरे वालों ग्रुप वालों को भी बोला कि गाड़ी शाड़ी का इंतज़ाम करो, हमारा रूट है, तो किसी ने तवज्जो नहीं दी इधर। तो हम घर से आ रहे थे रजौरी की तरफ, तो गाड़ी में ओवरलोड उतना आया था, मतलब सवारी जो थी खड़ी थी बहुत ज़्यादा।